38,700 की जो सैलरी रिक्वायरमेंट है अब वो लाजमी नहीं है। मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखाऊंगा भी अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर 23,200 पाउंड भी अगर आपकी सैलरी हुई तो आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा और 5 साल तक आप यूके में काम कर सकते हैं और आपको उसके बाद इनडेफिनेट आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। लेकिन कौन कौन सी जॉब्स हैं तो स्टार्ट कर दीजिए आज की वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम शादी खान, आप देख रहे हैं मेरे चैनल देसी बॉय न्यू के। गाइस बहुत से यूट्यूबर्स ने डाला हुआ था रोला के 38,700 सैलरी होगी है, अब आपको यूके का वीज़ा नहीं मिलेगा, इतनी सैलरी की ऑफर ही नहीं करता, अब आप यूके नहीं जा सकते। बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने खबर डाली हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ, विद प्रूफ दिखाता हूँ कि कितनी सारी जॉब्स हैं जहाँ पर आपको 38,700 पाउंड की सैलरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 23,200 पाउंड यानी कि 23,200 पाउंड में आपको यूके का वीज़ा मिल जाएगा, आप यूके आ सकते हैं, यूके आके रह सकते हैं, अपने साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को भी लेके आ सकते हैं और इसके साथ साथ कह लें कि आपको 5 साल के बाद नेशनलिटी भी मिल जाएगी और आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा और आप यूके में सेटल हो जाएंगे। तो वो कौन सी जॉब में आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, स्किल वर्कर वीजा इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, चेक विच जॉब्स आर ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट इन ईच एरिया ऑफ द यूके। इफ योर जॉब इज ऑन द लिस्ट द मिनिमम सैलरी इज 80% ऑफ द रोड्स एंड यूजुअल मिनिमम रेट टू क्वालिफाई फॉर स्किल वर्कर और हेल्थ केयर वीजा। If you qualify for the standard rate because you got your certificate of sponsorship after 4 April, you should look at the standard rate column. If you qualify for the lower rate, you should look in the lower rate column. You qualify for the lower rate if either you are applying for health and care visa in certain occupations, you got your certificate of sponsorship for the visa application before 4 April. ये जो मैं लिस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें 2 कॉलम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है जी स्टैंडर्ड कॉलम है और एक का लोअर कॉलम है। अब स्टैंडर्ड कॉलम में जिन्होंने 4 अप्रैल के बाद जिनको कोर्स मिलेगा या जिनको कोर्स मिला है, जिनको कोर्स इशू हुआ है 4 अप्रैल के बाद, तो वो आएंगे जी स्टैंडर्ड कॉलम में और जिनको लोअर कॉलम में वो लोग आएंगे जिनका जो कोर्स है वो 4 अप्रैल से पहले निकल आया था। इसके साथ साथ जिनका हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा वाले लोग हैं जी वो भी लोअर कॉलम में आते हैं। ये आपने पढ़ लिया इसमें जो मैंने आपको दिखाया है। अब आगे चलते हैं, कौन कौन सी वो जॉब कोड है, ऑक्यूपेशन कोड आपको नजर आ रहे होंगे और जॉब टाइप नजर आ रही है, इसके साथ साथ आपको नजर आ रही है एरिया ऑफ द यूके और साथ में स्टैंडर्ड रेट है और लोअर रेट है, लास्ट वाला कॉलम जो लोअर रेट का आ रहा है। अब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा जॉब्स हैं और बहुत ही कह लें कि इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं जी। केमिकल साइंटिस्ट हो गए जी, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हो गए, सोशल ह्यूमैनिटी साइंटिस्ट हो गए, ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा ग्राफिक डिजाइनर की बात करूँ मैं तो पहले सैलरी, अभी जो सैलरी है उसकी जी वो है 30,960 पाउंड इन्होंने काम कर दिया है और जो पहले थी जी वो है लोअर रेट 35,000 समथिंग है। तो आप देख लें जी ये वही जॉब है जिसकी सैलरी कम हुई है। इसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन आ रहे हैं जी, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस हैं, आपकी पसंद की भी जॉब आगे आएगी, डांसर्स भी आते हैं इसमें जी और इसके साथ साथ म्यूजिशियंस आ रहे हैं। इसके अलावा जी आर्ट्स ऑफिसर्स आ रहे हैं और एग्रीकल्चर के रेलिवेंट भी इसमें जॉब्स हैं। इसके साथ साथ जो मेन बताऊँ मैं आपको, एक तो वेल्डिंग ट्रेड की जॉब आपको आराम के साथ यहाँ पे मिल सकती है, 31,700 पाउंड सैलरी होगी इसकी जो रिक्वायरमेंट है और 26,400 इसकी लोअर रेट के ऊपर आ रही है। एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे बताने आगे जाके, एक तो बता दूँ आपको मैं कि ये जो स्टोन मेसन आ रहे हैं जी 31,000 इनकी जो स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, इसके अलावा जो ब्रिक लेयर आ रहा है 30,960 पाउंड चल रहा है जी स्टैंडर्ड रेट, और इसके अलावा रूफर्स आ रहे हैं, कारपेंटर्स आ रहे हैं, इनकी जो सैलरी आ रही 31,000 रूफर्स की आ रही है, ब्रिक लेयर्स की आ रही 30,960 पाउंड आ रही है। इसके अलावा अगर नीचे कारपेंटर देखें आप तो कारपेंटर की भी 30,960 पाउंड इनकी जो एनुअल सैलरी रिक्वायरमेंट है वो शो हो रही है। कंस्ट्रक्शन वाले भी 30,960 पाउंड आ रहे हैं जिन्होंने 4 अप्रैल के बाद जिनको कोर्स मिलेगा। अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं नीचे जी केयर वर्कर्स एंड होम केयरर्स हैं, इनकी जी 23,200 पाउंड लोअर रेट आ रहा है। मैंने आपको दिखाया था ऊपर जो केयर वर्कर्स हैं जी उनको 23,200 पाउंड वो शो कर सकते हैं और यूके आ सकते हैं, सेम जो सीनियर केयरर्स हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अब यहाँ पे जो मैंने दिखाई है आपको जॉब्स, कंस्ट्रक्शन की जॉब्स होगी, वेल्डर की जॉब होगी, रूफर्स हो गए, कह लेंगे कारपेंटर्स हो गए, इनकी सैलरी मैंने आपको कुछ दिनों पहले अभी दो तीन दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी मैंने दिखाया, तो आपको विद प्रूफ कि वहाँ पर भी जो सैलरीज ऑफर करते हैं ऑफिसर्स लाइक जो कंपनीज हैं वो कह लें कि 35,000-34,000 पाउंड आराम से वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ऑफर करते हैं, बशर्ते ये कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए और ये काम सीखने का कह लें कि कोई मुश्किल नहीं होता, आपको
पता है कंस्ट्रक्शन के काम में हम 6 महीने 8 महीने 4 महीने लगाएं किसी भी कंपनी के साथ, इंडिया से या पाकिस्तान से कहीं से भी अगर आप हैं, आप उनसे बात करें, काम सीख लें, काम सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट लेके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आराम से आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अभी 38,700 की जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो कह लें कि मेनली जो हाई लेवल जॉब्स होती हैं, जैसे कह लें कि इंजीनियर हो गए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, डेटा इंजीनियर हो गए, बिग डेटा डेवलपर हो गए, तो उनके लिए उनको तो वो 60,000 भी ऑफर करते हैं। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे पता है यहाँ पे 60,000 pounds 70,000 pounds आराम से आपको इतनी जॉब मिल जाती है अगर आपके पास 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मुझे चीज़ का पता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, जो वेल्डर्स हो गए, रूफर्स हो गए, जो कारपेंटर्स हो गए, उनके लिए इतनी ज़्यादा सैलरी कंपनी ऑफर नहीं करती, लेकिन जो सैलरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ऑफर करती है। लाइक दिखा दिया मैंने आपको 30,960 pounds रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो कंपनी कितना ऑफर करती हैं आपको 30,000+ ऑफर करती हैं, लाइक 32,000 pounds 34,000 pounds। तो आप आराम से वीजा अप्लाई कर सकते हैं, यूके आ सकती है विद फैमिली। तो कैसी थी आज की वीडियो, थी वीडियो को तो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि किन किन लोगों के जो कोड हैं वो 4 अप्रैल के बाद अप्रूव हुए हैं। तो कैसे, चलिए मेरा चैनल देसी बॉय यूके।